नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे स्टॉक्स को आपके सामने लेके आया हूँ जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊँगा जो आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक आइदर किसी ब्रेकआउट लेवल पे हैं या फिर अपना बाउंस या सपोर्ट लेवल के आसपास हैं जहां से बाउंस होने की संभावना ज़्यादा बनती है। इस वीडियो में मैं एक स्पेशल ऑफर भी लेकर आया हूं न्यू ट्रेडर्स के लिए, जो कि आपको वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे क्यूरियस वेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं शेयर करता हूँ वो आपको सही समय पर मिलती रहे। किसी भी IPO से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहती हैं उससे रिलेटेड मैं स्टॉक मार्केट के जो भी अपडेट हैं वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल में telegram.curiousbox सर्च कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अपने इस चैनल पर मैं जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाले हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं, IPO से रिलेटेड ग्रे मार्केट प्राइस शेयर करता हूं, और साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़े हुए कुछ सजेशंस भी शेयर करता हूं और लाइव मार्केट में चार्ट्स भी शेयर करता हूं जिसका फायदा आप सही तरीके से भी उठा सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो स्पेशल ऑफर है वो है स्टॉक मार्केट का जो ऑनलाइन कोर्स मैं चला रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ है। करंटली तीसरा बैच मेरा चल रहा है, फोर्थ बैच जो है नेक्स्ट वीकेंड से शुरू होगा। अगर आपको उस कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज करके इस कोर्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने चार्ट मेरे साथ शेयर करते हैं, वो चार्ट्स भी मैं अपने इस चैनल में शेयर करता रहता हूँ ताकि जो भी मेरे मेम्बर्स हैं उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से क्लियरली शेयर हो सके। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है पेट्रोनेट LNG। इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं हमको एक तरीके से पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है या फिर आप बोल सकते हैं डिमांड जोन है जहां से स्टॉक हर बार बाउंस करता है। करंटली स्टॉक उसी लेवल के आसपास कोट कर रहा है, तो आप इस स्टॉक के अंदर 218 से लेके 210 के बीच में एंट्री बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे 199 का निकल के आएगा। वहीं अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आपको 231, 236, 242 और 249 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक 255 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो आपको 270 प्लस के टारगेट भी इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो अगला स्टॉक है इसको मैंने पहले भी बताया था अपने चैनल के ऊपर भी और अपने वीडियो में शेयर भी किया था काफ़ी पहले कि इसमें हमको एक फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। करंटली स्टॉक ने उस फ्लैग को ब्रेकआउट देने के बाद वापस से रीटेस्ट एक तरीके से कर रहा है, बट रीटेस्ट से पहले एक और इसका जो जोन है वहाँ पर स्टॉक अच्छे से कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें दो तरीके के पोजिशंस आप बना सकते हैं या दो तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक 375 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिए, उस केस में आपका स्टॉप लॉस 355 का निकलेगा और जो टारगेट है 405, 430, 470 और 520 निकल के आएंगे। इन केस स्टॉक अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग नीचे की दे देता है तो आपको इसके अंदर एंट्री बनानी है 340 से लेके 330 के रीजन में, जब स्टॉक अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर रहा हो उसी टाइम पे, और उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो 320 का निकल के आएगा क्लोजिंग बेसिस पे, और जो आपके टारगेट निकल के आएंगे वो 360, 380, 405, 430, 470 और 520। तो आपको ध्यान रखना है, आइदर आप 375 के ऊपर क्लोजिंग होने पे ही एंट्री कीजिए या फिर स्टॉक 340 से 330 के रेंज में आता है उस समय आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसको मैं आपको डेली चार्ट पे आप दिखा रहा हूँ। स्टॉक एक बहुत ही अच्छे अपवर्ड चैनल के अंदर करंटली कोट कर रहा है। स्टॉक का एक जोन निकल के आया था जो कि था 410 से लेके 490, इस रेंज में ही स्टॉक हर बार गिर रहा था। अभी इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने अच्छा अपसाइड दिखाया था और वापस गिरा था, या फिर अपने चैनल के डाउन साइड में आकर के स्टॉक ने हमको बाउंस दिखाया है।
तो आप इस स्टॉक के अंदर बाय कर सकते हैं 400 से 410 के रेंज के अंदर, और इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे 385 का आपको लगाना है। अपसाइड पोटेंशियल जो इसके अंदर हमको नजर आता है वो 440, 455, 475 और 500 से भी ज्यादा का हमको पोटेंशियल नजर आता है। एक क्योंकि स्टॉक करंटली अभी एक चैनल के अंदर ही कोट कर रहा है, तो इसलिए ये स्टॉक जब कभी 455 या 475 के आसपास आप पहुंचे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी के साथ इस स्टॉक के अंदर बने रहें। दोस्तों हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है LNT। इस स्टॉक का मैंने पहले भी अपने वीडियो में रिकमेंड किया था, अपने चैनल पर रिकमेंड किया था लगभग 10 मई के आसपास, जहां मैंने बताया था कि स्टॉक जो है अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट दे चुका है और हमको इसमें लगभग 1330 के आसपास की बाइंग करनी थी, और इस टारगेट जो मैंने इसमें बताए थे वो लगभग 1570 के बताए थे, वो टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। और ऐसा भी मेंशन किया था कि 1580 के ऊपर अगर ये जाता है तो हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अब इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन चीज हमको बनती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है, उस पैटर्न को ब्रेकआउट भी कर दिया है और रीटेस्ट करके स्टॉक जो है वापस से बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस स्टॉक के अंदर करंटली यानी कि 1665 से लेकर 1660 के आसपास कुछ अमाउंट में एंट्री कीजिए, और अगर स्टॉक गिरता है तो 1600 के आसपास आप इसके अंदर एवरेज आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर आपका 1545 का निकलेगा। अपसाइड टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1710, 1770, 1810 और 1880 के टारगेट आपको बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए स्टॉक को 1680 या 1710 के ऊपर की क्लोजिंग देना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूजफुल होगी, जिसका फायदा आप सही तरीके से उठा सकेंगे। एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा, मैं किसी को भी किसी स्पेसिफिक स्टॉक में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैंने दी है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप किसी भी अपने ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही अपना कोई भी पैसा निवेश करें।